हाय एवरीवन, सो दिस इज़ डॉक्टर सुहानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों से खून। क्या आप लोग उससे सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होंगे। और ये होती कब है? जब हम बहुत ही हार्ड ब्रशिंग करते हैं या जब हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो देर आर सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लड जो हमें दिखते हैं और हम एकदम से घबरा जाते हैं। देर इज़ नथिंग, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत बहुत है। सो आई विल बी टेलिंग सिंपल 5 टिप्स जो आपको फॉलो करनी है फॉर ब्लीडिंग गम्स। नंबर 1 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूज़ अ सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश और बहुत हार्डली ब्रश नहीं करना है। हार्डली ब्रश करने से हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होगी ही होगी, सो ब्रश नॉर्मली। सेकेंड, डोंट ईट एक्सेस हॉट फूड, एकदम उबलता हुआ गर्म खाना नहीं खाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे करके खाना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द ब्रह्मास्त्र, दैट इज वॉर्म सलाइन रिंसेस। थोड़ा कोसा पानी, ल्यूक वॉर्म वाटर लेके यू हैव टू ऐड सम सॉल्ट इन इट और उसके बाद आपने दिन में 3-4 टाइम्स उससे कुल्ले करने हैं। देन फोर्थ, नाइट ब्रशिंग, इट इज़ अ मस्ट, माइंड इट, इट इज़ अ मस्ट, रात को ब्रश नहीं मिस करना है। फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की कोई भी प्रॉब्लम है, विजिट अ नियर बाई डेंटिस्ट, इवेल्यूएट कराइए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ठीक है? सो इन आर नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर ब्रशिंग वेल बट प्रॉपर टेक्निक हम लोगों को नहीं पता। सो स्टे ट्यून्ड, इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी शेयरिंग द ब्रशिंग टेक्निक। थैंक यू।